वृंदावन कोतवाली इलाके के जगदीश धाम होटल में एक महिला और पुरुष ने जहर खाकर सुसाइड करने का प्रयास किया। महिला और पुरुष दोनों ही दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। होटल के स्टाफ ने दोनों को बेहोशी की हालत में देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। होटल संचालक ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और पुरुष दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, वहीं पुरुष का इलाज अभी चल रहा है। युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने फोन में से नंबर निकालकर मृतक महिला के परिवार जनों को घटना की सूचना दी। एसपी सिटी ने बताया कि एक दंपत्ति के आत्मदाह की सूचना होटल संचालक ने दी थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस घटना स्थल से हर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वहीं पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे और रजिस्टर खंगाल रही है। महिला और पुरुष दोनों दिल्ली निवासी हैं। महिला और पुरुष दोनों मथुरा क्यों आए थे और किस काम से आए थे, यह एक बड़ा प्रश्न है। होटल में रुककर उन्होंने आत्महत्या करने का क्यों प्रयास किया, पुलिस गहनता से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक महिला के परिवार जनों को घटना की सूचना दे दी गई है। मृतक महिला के परिवार जनों को आने के बाद घटना की जानकारी हो पाएगी कि महिला और पुरुष में क्या संबंध थे और उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जगदीश धाम जो कि वृंदावन में स्थित है, यहाँ पर आज करीब 8:30 बजे पीआरबी को एक सूचना मिली थी कि इनका जो रूम है, रूम नंबर 105 के अंदर कि एक महिला और एक पुरुष है जो कि बेहोशी की हालत में है, तो इन्होंने उसकी सूचना दी। तुरंत से मौके पे पुलिस आई और रूम को जब देखा गया तो महिला वहीं पे नीचे गिरी मिली थी और जो पुरुष था वो टॉयलेट के अंदर मिला था। दोनों को तुरंत से अस्पताल भेजा गया, सोसैया अस्पताल में, तो वहाँ पे महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो पुरुष था उसकी हालत गंभीर थी, उसे तुरंत आगरा रेफर कर दिया गया है जहाँ पे उसका उपचार चल रहा है। यहाँ पर जब देखा गया रूम के अंदर तो यहाँ पर बेड के ऊपर वॉमिटिंग भी है, दोनों के शरीर पर कोई भी स्ट्रगलिंग मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है। और दिन में इन्होंने करीब 2:30 बजे चेक इन किया था। इनके मोबाइल्स और इनके जो आई कार्ड दिए गए हैं उनसे डिटेल मालूम की जा रही है और महिला के जो घर वाले उनसे बात की गई है, वो संभवतः वो सुबह तक यहाँ पे आ भी जाएंगे और आगे की डिटेल के बारे में जानकारी की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, कैसे बेहोशी? जैसा कि क्राइम सीन को देखा गया है कि दोनों बेहोशी की हालत में थे और वहाँ पे वॉमिटिंग भी है, कोई स्ट्रगलिंग मार्क्स किसी के ऊपर नहीं है और फोर्स्ड एंट्री कोई ऐसा नहीं था, पुलिस को सूचना दी गई थी, तो प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड का मामला है। बाकी डॉक्टर से बात की गई है और इनका जो स्टमक वॉश है वो ले लिया गया है। FSL टीम ने यहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।